हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट्स का यूनिट टू। यूनिट वन हम लोगों ने किया हुआ था, वो क्या था, बेस्ड ऑन पॉलीनोमियल्स। अभी ये वाला है जो क्या है, इसके अंदर यूनिट बेस्ड ऑन एलसीएम। अभी ये तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि अभी तक हम लोग ने टेक्स्ट बुक को अभी तक हाथ नहीं लगाया, वैसे ही हमारे यूनिट्स हो जाएंगे बीच के बीच में। जब जैसे ही कुछ पार्ट हमारा एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि ये कैसे कंप्लीट हुआ है, तो उस टाइम पे मैं टेक्स्ट बुक उस टाइम पे लूंगा। ये क्या है, जस्ट एक इलस्ट्रेशन के टाइप में, लेकिन पहले ये चीज पे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट टू बेस्ड ऑन एलसीएम लेता हूँ मैं। पहला सम क्या क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 5, फिर है माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5x। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 1 अपॉन x माइनस 5 माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x। तो इस चीज के अंदर क्या करना, सबसे पहले वाला एक्सरसाइज क्या किया था, यूनिट में बार बार रिवाइज करते रहने वाला हूँ, क्योंकि यूनिट को हमको दिमाग में रखना है। यूनिट वन था पॉलीनोमियल्स, यहाँ पे किधर भी पॉलीनोमियल जैसा कुछ नहीं दिख रहा, फ्रैक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन, और बीच में कुछ साइन है प्लस माइनस। जब भी इस तरीके का सम होगा तो हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर ट्राई करना है ये दोनों के अंदर से x माइनस 5 बाहर निकालना है। क्यों x माइनस 5, जैसे मैंने पहले बोला था ये क्या होगा, हमारा लिमिट होगा। और इसके पहले एक बार कंडीशन लिखी थी 0 अपॉन 0 वाली, याद रहेगी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। तो मैं पहले सब्स्टिट्यूट करता हूं 5, तो 5 माइनस 5 इज 0, तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो मतलब आंसर नहीं आने वाला। माइनस 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 इंटू 5 25, वापस से क्या हो जाएगा 0। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या ऐसा एक नंबर है यहाँ पे, उसके वजह से मेरे को ये पूरा का पूरा टर्म क्या मिल रहा है, 0 अपॉन 0। तो ये वाला टर्म मेरे को 0 अपॉन 0 अगर मेरा कैंसिल हो जाता है तो मैं लिमिट को सॉल्व करके कर पाऊंगा। तो ये चीज़ से क्लियर है कि लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने किया था, उसके अंदर क्या किया था, यूनिट वन का फर्स्ट सम, उसके अंदर क्या था, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, क्योंकि आंसर नंबर आ रहा था, नंबर आ रहा था उसके अंदर लिमिट था ही नहीं, वैसे यहाँ पे लिमिट है। तो वो लिमिट कैसे निकलेगा, एक लिमिट तुमको किधर चाहिए, डिनोमिनेटर में, और सेम किधर लाना है, न्यूमरेटर में। जब ये इस तरीके से आ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और वो जीरो वाला वैल्यू हट जाएगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर, स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 5 1 अपॉन एक्स माइनस 5, यहाँ पे देखो एक्स माइनस 5 ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माइनस 5, अगर मैं यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस 5। अब जरा कंपेयर कर लो, x माइनस 5 यहाँ पे मिल चुका है, x माइनस 5 यहाँ पे मिल चुका है, तो पहला स्टेप हो जाएगा कॉमन बाहर निकल जाएगा। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 1 अपॉन x माइनस 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 माइनस 5 अपॉन x, सिंपल। अब एक बार डिनोमिनेटर में ये जो था ना, पहले एक्सप्लेन किया था, डिनोमिनेटर में x माइनस 5 तो मिल चुका है, अब किधर चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए। तो न्यूमरेटर में कैसे आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 1 अपॉन x माइनस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 5 अपॉन x। अब ये चीज दिख रहा है न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर बीच में साइन कौन सा, मल्टीप्लीकेशन है तो कैंसिल हो सकता है। तो क्या लिखता हूं मैं यहां पे, सिंस x टेंड्स टू 5 x इज नॉट इक्वल टू 5, therefore x minus 5 is also not equal to 0, ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, लिमिट x tends to 5 1 upon x। अब क्या करेंगे, लिमिट डायरेक्टली हटा दो, तो लिमिट हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1, और x के जगह पे क्या आ जाएगा, 5, और ये रहेगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लाना है, लिमिट लानी है। तो लिमिट कहां से लाएंगे, शॉर्ट में बताया था ना, ये जो 5 है ना, तो वही क्या हो जाएगा, x minus 5, तो वो चीज आ जाएगी, न्यूमरेटर में भी लाना है डिनोमिनेटर में लाना है ये। लेकिन पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, देखना है सबसे पहले क्या इसके अंदर लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसके अंदर छुपा हुआ है क्या। तो अब तक दो यूनिट हुई है, पहला वाला क्या था, बेस्ड ऑन पॉलीनोमियल्स, तो पॉलीनोमियल्स और यानी तो डायरेक्टली हम बढ़ेंगे सेकंड एलसीएम, क्या अप्लाई हो सकता है, हाँ इस तरीके से सेकंड यूनिट हो जाएगी। नोट डाउन कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट समय।